इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ टू इंडक्टेंसेस इज 2.4 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 10 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। द डिफरेंस बिटवीन द टू इंडक्टेंसेस इज, तो यहाँ पर दो इंडक्टेंस दी गई हैं जिनकी सेल्फ इंडक्टेंस का जो रिजल्टेंट होगा पैरेलल में 2.4 हेनरी होगा, और जब इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट 10 हेनरी होगा। तो इंडक्टेंस के बीच डिफरेंस फाइंड करना है, तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन 1 अपॉन एल इफेक्टिव, ये 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 है, तो यहां से इस 1 अपॉन L इफेक्टिव, तो इस एल इफेक्टिव की वैल्यू दी है 2.4, और जब सीरीज में ऐड करेंगे तो ये एल इफेक्टिव होगा L1 प्लस L2, और ये वैल्यू दी गई है L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 10 हेनरी। अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है L1 माइनस L2, इनका डिफरेंस फाइंड करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो वैल्यू दी है इसको हम सॉल्व करें, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, तो यहाँ पर 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.4, तो यहाँ से L1 L2 LCM लेंगे, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.4 हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, तो यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो L1 प्लस L2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 10 डिवाइडेड बाई L1 L2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.4, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से L1 L2 की वैल्यू 24 मिल जाएगी। इसको हम इक्वेशन फोर्थ लिख लेते हैं। अब हमको L1 माइनस L2 फाइंड करना है, तो ये L1 माइनस L2 की वैल्यू होगी 1 प्लस L2 होल स्क्वायर -4L1L2 की रूट वैल्यू। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, L1 प्लस L2 की वैल्यू है 10, तो ये होगा अंडर रूट में 10 स्क्वायर -4 × L1L2 की वैल्यू 24, और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 100 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 96। तो L1 माइनस L2 की जो वैल्यू आ जाएगी, ये L1 माइनस L2 अंडर रूट में 100 से 96 लेस करेंगे 4 आएगा, तो L1 माइनस L2 की वैल्यू आएगी L1 माइनस L2 2 हेनरी के इक्वल, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट।